Hello everyone, I am Rahul. Welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video. So today's video is about the changes made in the income tax in the budget. So budget mein jo changes hue hai wo hum discuss karne wale hai aur sare doubts aapke clear kar dunga. Last tak dekhe video ko aur channel ko subscribe kare. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो चेंजेस हुए हैं बजट में. कुछ हाइलाइट्स में दूंगा आपको ये बजट 2019 में जो चेंजेस किए गए हैं. इस बजट को इंटरिम बजट कहा गया है, बिकॉज इंटरिम बजट इसलिए कहा गया है कि अभी नया इलेक्शन होगा और जो नई सरकार आएगी वो जून में पूरा प्रेजेंट जो बजट है वो प्रेजेंट करेगी. इसलिए दिस इज़ जस्ट एन इंटरिम बजट. सो जो इंटरिम बजट में जो टैक्स में जो चेंजेस हुए हैं वो हम डिस्कस करेंगे और वन बाय वन में आपको सारे आपके जो पॉइंट्स हैं उसके बारे में जो डाउट्स होंगे वो क्लियर कर दूंगा कि क्या मेजर चेंजेस हुए हैं इस बजट में. सो जो इंटरिम बजट प्रेजेंट हुआ है उसमें जो हमारे एक्टिंग फाइनेंस मिनिस्टर हैं मिस्टर पीयूष गोयल जी, उन्होंने जो चेंजेस बताए हैं. सिंस अवर फाइनेंस मिनिस्टर इज़ नॉट वेल, तो वो अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं अब्रॉड, तो इसीलिए ये जो बजट है इसमें जो जो चेंजेस हुए हैं वो हम अभी डिस्कस करेंगे. और मैं आपको सारे चेंजेस जो बताऊंगा वो टैक्स से रिलेटेड पहले हम डिस्कस करने वाले हैं, जो एक मेजर पॉइंट होता है बजट का कि टैक्स में रिलीफ क्या मिला है, क्या बेनिफिट एक नॉर्मल पर्सन को मिला है, नॉर्मल एसएससी को मिला है. द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट हाईलाइट इज टैक्सेबल इनकम अप टू ₹5 लाख नो टैक्स. अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको क्लियर करता हूँ कि पहले 2,50,000 तक कुछ टैक्स नहीं लगता था, और 2,50,000 से ऊपर अगर अपना इनकम जाएगा 2,50,000 से लेके 5 लाख रुपीज़ तक तो 5% का टैक्स लगता था. 5 लाख टू 10 लाख पे 20% लगता था और 10 लाख के ऊपर 30% लगता था. बट अभी ये जो 2,50,000 का स्लैब है वो इंक्रीज करके 5 लाख रुपीज़ कर दिया है. मतलब अगर आपका टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपीज़ होगा तो आपको कोई भी टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं होगी. बट जो रिबेट है, रिबेट पहले 3,500 तक होता था, वो अभी 12,500 तक का रिबेट कर दिया है. इसका मतलब अगर आपका इनकम 5 लाख रुपीज़ तक है तो आपको 12,500 का रिबेट मिल जाएगा. इसका मतलब ओवरऑल देखा जाए तो 5 लाख रुपीज़ तक आपको कोई भी टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है, आपको रिबेट मिलने वाला है. द रिबेट का जो लिमिट है वो इंक्रीज़ कर दिया है अप टू 12,500 रुपीज़ एज़ पर सेक्शन 87. सो अगर हम काउंट करें टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपीज़ और ATC का डिडक्शन अगर हम देखें, उसमें ATC में जो हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं इन दी LIC वेरियस टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट विच यू आर डूइंग, तो ये सारे इन्वेस्टमेंट्स ATC में कवर होते हैं. उसका लिमिट 1,50,000 है. अगर वो भी हम इसमें ऐड कर ले तो 5 लाख रुपीज़ प्लस 1,50,000 का डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं, एंड दैट इज 6,50,000. तो ATC की लिमिट जो है अगर हम ऐड कर ले तो ओवरऑल अगर इनकम देखा जाए तो 6,50,000 हो जाएगा. अगर किसी भी पर्सन का मंथली इनकम 54,167 रुपीज़ होगा तो उसको कोई भी टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है. दैट मीन्स वो एनुअली 5 लाख के बेसिस पे जाएगा. इफ़ इनकम अबव 5 लाख्स इट्स टैक्सेबल. अगर इनकम 5 लाख के ऊपर जाएगा तो 5 लाख के ऊपर समझो 5,10,000 का इनकम हुआ है तो जो पहले से स्लैब अप्लाई है उसी बेस पे टैक्स अप्लाई होगा. जैसे 2,50,000 टू 5 लाख का डिफरेंस 2,50,000 है, उसके ऊपर 5% का टैक्स भरना है हमें, और रिमेनिंग जो 10,000 बचता है उसके ऊपर हमें 20% का टैक्स भरना है. तो टैक्स स्लैब में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं. सिर्फ यहाँ पे एक मेजर हाईलाइट दिखाया जा रहा है कि टैक्सेबल इनकम्स 5 लाख तक जिसका है उसको कोई भी टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है. बट टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं है. टैक्स स्लैब वही पुराना है. 2,50,000 तक कोई भी टैक्स नहीं भरना है. 2,50,000 से लेके 5 लाख के बीच का जो डिफरेंस है उस पर 5% टैक्स भरना है. 5 लाख से 10 लाख के बीच का जो डिफरेंस है उस पर 20% टैक्स भरना है, और 10 लाख से ऊपर जितना इनकम जाएगा उसके ऊपर 30% टैक्स भरना है, इंक्लूडिंग 4% एजुकेशन सेस भी आपको एप्लीकेबल हो जाएगा. सो इफ इनकम अबव 5 लाख्स इट्स नॉन टैक्स, इट्स टैक्सेबल. नो चेंजेस इन द टैक्स स्लैब. जो मैंने आपको अभी बताया कि टैक्स स्लैब में कोई भी चेंज नहीं किया गया है. सो ओवरऑल देखा जाए तो इस पूरे बजट में जो स्लैब रेट है वो सिर्फ सेम रखा है, और टैक्सेबल इनकम का जो 2,50,000 था उसको इंक्रीज कर दिया है.
स्टैंडर्ड डिडक्शन जो अंडर सेक्शन 16 है सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए इनकम फ्रॉम सैलरी, उसकी लिमिट जो है पहले 40,000 थी, अब उसकी लिमिट को 40,000 से इंक्रीज करके 50,000 किया है। मतलब जो सैलरीड पर्सन है उनको 10,000 का यहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा फ्रॉम इनकम फ्रॉम सैलरी। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हाईलाइट इज TDS। तो अंडर सेक्शन 194 ये TDS होता है, अगर हम बैंक में कुछ डिपॉजिट रखेंगे सेविंग्स बैंक में FD में वगैरह, तो उसमें पहले TDS कटता था। अगर आपका इंटरेस्ट 10,000 से ऊपर जाता था तो आपको 10% TDS काट लेता था और इनकम टैक्स को TDS भरना पड़ता था। बट अभी ये जो 10,000 की लिमिट है वो 40,000 तक कर दिए। मतलब अगर आपको इंटरेस्ट ऑन जो FD है, सेविंग्स है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उससे अगर आपका इंटरेस्ट 40,000 तक भी जाएगा पूरे साल का, तो आपको उसके ऊपर कोई भी टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट है अगर हम बैंक में पैसा रखेंगे और वो इंटरेस्ट जो हमको बैंक से मिल रहा है अगेंस्ट DFD, अगेंस्ट वेरियस काइंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो 10,000 तक की ही लिमिट थी, वो अभी 30,000 से इंक्रीज करके उसको 40,000 कर दिया है, और ये 40,000 होने के साथ हमें उसके ऊपर कोई भी टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दैट इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ हाईलाइट, काफ़ी अच्छा ये स्टेप लिया गया है TDS रिलेटेड टू द इंटरेस्ट ऑन FD इज कंसर्न। फिर HRA जो है रेंटल इनकम, 194 के बेसिस पे ही सेक्शन है। HRA का जो रेंटल इनकम है उसका पहले एग्जम्पशन लिमिट था 1,80,000 रुपीज़, अब ये जो 1,80,000 की जो रेंटल इनकम की लिमिट है एग्जेम्पशन की, वो इंक्रीज करके उसको इंक्रीज कर दिया है अप टू 2,40,000 रुपीज़। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा बेनिफिट रेंटल इनकम के बेसिस पे एग्जेम्पशन दिया गया है। तो दैट इज़ ऑल्सो वन बेनिफिट। फिर काफ़ी इंपॉर्टेंट नया बेनिफिट जो हाउस प्रॉपर्टी जिनके पास है, जो जिनके पास दो घर है उनको ये हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड बेनिफिट मिल रहा है, दैट इज़ एग्जेम्पशन ऑन टैक्स ऑन सेकेंड सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। तो सेक्शन 23 ऑफ द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी रिलेटेड फैक्टर, तो सेक्शन 23 के बेसिस पे ये बोला गया था कि एक इंसान के पास अगर दो घर है उसमें से एक घर वो सेल्फ ऑक्यूपाइड से क्लेम कर सकता है जिसका GAV NAV नील होगा, और दूसरा प्रॉपर्टी उसका लेट आउट प्रॉपर्टी होगा अगर उसने भाड़े से दिया है, या फिर दूसरा प्रॉपर्टी अगर उसका खुद ही रहता है दोनों घरों में, तो एक ही प्रॉपर्टी वो सेल्फ ऑक्यूपाइड के बेसिस पे डिडक्शन क्लेम कर सकता है। बट अभी ये बजट में जो ये इंटरिम बजट है उसमें ये चेंजेस किए गए, और चेंजेस ये लाए गए कि एक इंसान के पास अगर दो घर है और दोनों घर वो खुद के लिए यूज़ कर रहा है, तो दोनों के दोनों हाउस प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मान के वो सेक्शन 23 में GAV NAV को नील क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हाईलाइट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस, कैपिटल गेन टैक्स जो है, जो हम कैपिटल गेन्स के जो पॉइंट्स देखते थे जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उसमें अंडर सेक्शन 54 में अगर आपने नया घर परचेस किया, कोई नया हाउस परचेस किया, तो एक ही हाउस तक आपको डिडक्शन मिलता था, अभी आपको दो रेसिडेंशियल हाउसेस तक डिडक्शन मिलेगा, और इसका एक्चुअली दोनों हाउसेस का मिला के लिमिट 2 करोड़ डिसाइड किया गया। तो कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बेनिफिट में उनको बेनिफिट दिया गया है। सो दोज हु आर परचेसिंग एनी न्यू हाउस अंडर सेक्शन 54 उनको डिडक्शन दिया जाता था, बट पहले ये सिर्फ एक घर के ऊपर होता था, अब ये दो घरों के ऊपर मिलेगा, और दोनों घरों का एक्चुअल वैल्यू 2 करोड़ से ऊपर नहीं जाना चाहिए। सो दैट इज कैपिटल गेन में बेनिफिट मिल रहा है। ग्रेचुइटी की जो लिमिट थी वो 10 लाख से इंक्रीज करके 20 लाख कर दी है। ग्रेचुइटी जो रिटायरमेंट में पैसा मिलता है उसकी लिमिट जो है 20 लाख तक आपको अभी कोई भी टैक्स भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अदर एरियाज में मनरेगा जो एलोकेशन है उसमें 60,000 करोड़ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए दिए गए हैं। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पे गवर्नमेंट ने काफ़ी ध्यान दिया है। तो मनरेगा एलोकेशन सेट एज ₹60,000 करोड़ टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। फिर PMSYM स्कीम लॉन्च की गई है टू प्रोवाइड अनऑर्गेनाइज वर्कर्स एंड एश्योर्ड मंथली पेंशन ऑफ ₹3,000 आफ्टर 60 ईयर्स ऑफ एज। तो ₹3,000 मंथली पेंशन दिया जाएगा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, उसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन। उसके बेसिस पे जो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स है उनको मंथली पेंशन दिया जाएगा ₹3,000 का आफ्टर 60 ईयर्स ऑफ एज, 60 साल के उम्र के बाद उनको ₹3,000 का मंथली पेंशन दिया जाएगा। फिर नेशनल कामधेनु आयोग फॉर काउज है
उसमें 750 करोड़ का एक्सपेंडिचर किया जाएगा। तो नेशनल कामधेनु आयोग में काउस जो काउस के लिए है हमारे, दैट विल बी रुपीज 750 करोड़। 2% इंटरेस्ट रिलीफ मिलेगा मीडियम एंड स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस को जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन के लिए, तो 2% का इंटरेस्ट रिलीफ भी मिलने वाला है। 3 करोड़ रुपीज डिफेंस के लिए खर्चा करने वाले हैं, मोर देन 3 करोड़ रुपीज फॉर डिफेंस। फिर एक न्यू स्कीम लॉन्च किया एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, दैट विल बी 75,000 करोड़ इसमें स्पेंड करने वाले हैं। तो जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है उनके लिए ये स्कीम लॉन्च किया गया है, तो अकॉर्डिंगली उनको 6,000 रुपीज़ पर एनुअली दिया जाएगा। अगर उनकी फसल अच्छी हो या बुरी हो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अगर उनकी फसल में कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो भी उनको एनुअली 6,000 रुपीज़ दिया जाएगा। और इसके बेसिस पे गवर्नमेंट का ओवरऑल एक्सपेंडिचर 75,000 करोड़ का है। प्रधानमंत्री सम्मान निधि ये बेस पे ये स्कीम लॉन्च की है जो एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट कर रहा है, एंड दैट विल बी गवर्नमेंट विल बी स्पेंडिंग 75,000 करोड़ इन दिस स्कीम। सो दैट्स इट, दिस वॉज द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो। मैंने एक शॉर्ट में जो ब्रीफ समरी है बजट के ऊपर वो मैंने आपको इस पूरे वीडियो में ट्राई किया है बताने का। जो मैक्सिमम चेंजेस टैक्सेशन में हुए हैं वो सारे मैंने इसमें क्लियर किए हैं। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो के नीचे अपने प्रेशियस फीडबैक दो। अगर आपको कुछ पॉइंट्स इसमें से नहीं समझ आया तो उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू अबाउट दैट। सो दिस वॉज द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, एज वेल एज जो सब्सक्राइब का बटन है वो सब्सक्राइब का बटन दबाओ ताकि जैसे मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशंस आ जाएगा, एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।